हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। गाइस, आज हम बात करेंगे सिटी स्कैन की। सिटी स्कैन क्या होता है और इसे कैसे काम में लिया जाता है और इसका मेडिकल फील्ड में क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजी मिल पाए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज कुछ नई वीडियो लेके आते रहते हैं, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। तो आइए देखते हैं हम सिटी स्कैन क्या होता है। तो गाइस, सिटी स्कैन जो हम यूज़ करते हैं तो कई बार होती है कि हमारे जो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर हो गया या लंग्स में ट्यूमर हो गया, तो इसके लिए हम सिटी स्कैन यूज़ करते हैं। तो सिटी स्कैन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसको तो हम एक्सरे से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे जो होती हैं वो एक सिंगल प्लेट होती हैं, मतलब सिंगल एक प्लेन होती है, उसमें से एक्सरेज निकलती हैं जो कि आपके बॉडी में जाती हैं रेज, और आपकी बॉडी का वो, जैसे आपको चेस्ट का एक्सरे करवाना है तो चेस्ट का एक्सरे करवाने के लिए आपको सीधे खड़ा कर दिया जाएगा मशीन के सामने। आप मशीन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, उस वहाँ पे ट्यूब लगी रहती है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर उस ट्यूब से जो एक्सरेज होंगी वो जाएंगी, जाने के बाद वो पूरी आपकी बॉडी स्कैन हो जाएगी। तो जो भी हार्ड पार्ट होगा, जैसे कि बोन्स हो गई, तो बोन्स की जो होगी वो एक्सरे निकल आएगी, और जो भी मसल्स होंगी उससे जो रेज होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी की बोन्स होती हैं वो आपके एक्सरेज में आ जाती हैं। इससे हम इसी तरीके से एक्सरे करते हैं। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो है कि मैं उसको आपको लिंक दे दूँगा, आप उससे जाके चेक कर लीजिएगा कि एक्सरे क्या होती है, पूरी डिटेल मैंने बता रखा है। तो ये जो एक्सरेज होती है, इसमें हम आयनाइज रेडिएशन यूज़ करते हैं। आयनाइज रेडिएशन जो होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए, अगर आप ज़्यादा उसका यूज़ करें तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो मैंने रेडिएशन के ऊपर बना रखी वीडियो, आप उसको भी जाके चेक कर लीजिएगा एक बार। तो एक्सरेज में जो सिटी स्कैन होती है, सिटी स्कैन में हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, बट सिटी स्कैन में जो हमारे प्रोसीजर होता है वो थोड़ा अलग होता है। सिटी स्कैन में हमारी पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है। पूरी बॉडी की स्कैनिंग मीन्स हमारी पूरी बॉडी, उसमें हमारा हेड भी इंक्लूड रहता है, तो उसमें हमारी पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है। तो सिटी स्कैन करते कैसे हैं, सिटी स्कैन की एक मशीन होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिटी स्कैन की एक मशीन होती है, आपके घर में कई बार कई लोगों का हुआ भी होगा। तो मशीन जो होती है उस पर पेशेंट को लेटा दिया जाता है एक बेड पर। लेटाने के बाद मशीन एक टनल के अंदर चली जाती है। वो जो टनल होती है वहाँ पे, उसके अंदर जो वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं उसके अंदर, वहाँ से कई सारी रेज निकलती हैं जो वो पूरी बॉडी पार्ट को, आपको पूरी बॉडी पार्ट की स्कैनिंग कर लेती हैं, जिससे कि आपको पूरी बॉडी पार्ट का जो जहाँ तक का भी आपको, जिस जगह का भी आपको सिटी स्कैन करवाना है, वहाँ पर ईजिली सिटी स्कैन हो जाता है। तो लेकिन इसमें जो होता है, ये इसमें हम कुछ आयोडीन भी यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। केमिकल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि केमिकल्स जो होती है हमारी, ये हमारे जो ब्लड होती है, अगर नॉर्मल ब्लड की बात करें तो नॉर्मल ब्लड हमारे रिएजेंट से, जो हमारे रिएजेंट या हम सॉरी आयनाइज रेडिएशन से वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम आप बॉडी में कुछ सिटी कंट्रास्ट एजेंट डालते हैं। सिटी कंट्रास्ट एजेंट हमारी बॉडी की जो हम बॉडी में डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि जो भी हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो काफ़ी सारे सॉफ्ट पार्ट हैं, जैसे मसल्स हो गई, वेंस हो गई, हमारी नर्व सिस्टम हो गया, तो वो काफ़ी सारे हमारी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट हैं। तो अगर हम बॉडी के सॉफ्ट पार्ट अगर एक्सरे में निकल आते तो हमें सिटी स्कैन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये बॉडी पार्ट जो होती है, ये जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं ये नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए हम इसमें हम सिटी कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि सिटी कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होता है वो आयोडीन बेस्ड होता है। आपकी नसों में, आपकी वेंस में कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में हम बात करें तो आयोडीन जो होता है वो आपकी नसों में डाला जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में कोई भी जो भी पेशेंट होगा उसकी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और वो दवाइयाँ डालने के बाद, जो भी दवाइयाँ होती है आयोडीन बेस्ड, वो दवाइयाँ डालने के बाद
जो आप जब भी हम सिटी स्कैन करते हैं तो उसमें जो आपकी वेन्स होती है, जो नर्व्स होते हैं, वो आपको जो कंप्यूटर में कुछ अलग तरह से दिखाई दे जाएंगे, वो कुछ चमकीले टाइप्स में दिखाई दे जाएंगे। तो अगर आपके कहीं भी वेन्स में या नर्व में कहीं ब्लड क्लॉटिंग हुई होगी तो वो कुछ अलग ही दिखाई दे जाएगी। अगर हम इस रेडिएंट का यूज़ ना करें तो वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्लड, नॉर्मल ब्लड हमारे रेडिएशन से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हम इसको यूज़ कर, अगर हम जैसे चेस्ट की बात करके चेस्ट का सिटी स्कैन करते हैं, तो हम चेस्ट के सिटी स्कैन में हम क्या क्या देख सकते हैं। चेस्ट के सिटी स्कैन में हम लंग्स देख सकते हैं कि लंग्स में कोई ट्यूमर तो नहीं है। हार्ट देख सकते हैं कि हार्ट, हमारे हार्ट की कंडीशन कैसी है, हार्ट का साइज़ क्या है। अगर हम बात करें पेट की, तो पेट के जब हम सिटी स्कैन करते हैं तो पेट में ये देख सकते हैं कि हम पेट में कोई ट्यूमर तो नहीं है। अगर वो ट्यूमर, अगर कोई पेट में ट्यूमर है तो वो कितना फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि हम अपने हाथ या पैर के सिटी स्कैन के, तो सिर्फ हाथ या पैर के सिटी स्कैन हम जब करते हैं कि जब हमारे किसी पेशेंट को मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाए, जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया उस पर, तो इसलिए हम हाथ का या पैर का सिटी स्कैन करते हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट का जहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर होगा उसके लिए हम सिटी स्कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी सिटी स्कैन करने से पहले कोई भी वो अलग तरह की प्रिकॉशन नहीं होती, बस आपको नॉर्मली आपके जो कपड़े होंगे वो कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, आपका कोई भी ज्वेलरीज होगी उसको उतरवा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी सिटी स्कैन ईजिली हो जाए। और इसमें हमें करना क्या होता है, अगर आप एक अस्थमा के पेशेंट हैं या आपको एपिलेप्सी है, तो ये चीज़ें आप अपने जो डॉक्टर हैं उनको बता दीजिए कि हमें ये चीज़ बीमारी है, या आपको और भी कोई बीमारी हो तो उसको ही बता दीजिए, जिससे कि डॉक्टर को वो चीज़ें पता रहनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर से अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो आपको कई बार दिक्कत भी हो सकती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसमें इस टेस्ट को करते समय कोई बॉडी में कोई भी पेन नहीं होता है। इस टेस्ट को करते समय ये ध्यान रखें कि कोई भी प्रेगनेंट लेडी इस टेस्ट को ना करवाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये जो सिटी स्कैन होती है यहाँ पे हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं, और रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो प्रेग्नेंट लेडी इसको इतना ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। तो प्रेग्नेंट लेडी इस चीज़ को ना यूज़ करें, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को ये इसके सिटी स्कैन से दूर रखा जाता है, इसको जहाँ तक वो इग्नोर करा जाता है कि सिटी स्कैन या एक्सरे उसको जिस टाइम वो प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम ना किया जाए उसका। तो गाइस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी सिटी स्कैन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन कोई कॉलेज प्लीज कमेंट जरूर लिखेगा। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, बस वो खाली जब उनसे डॉक्टर बोलते हैं तो वो करवा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। प्लीज़ इन चीज़ों को ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन है उनको इस चीज़ों के बारे में पता चल सके कि मेडिकल फील्ड में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं। वो ये टेक्निकल भी है एक तरह से ही, प्लीज़ इन चीज़ों को ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए, अब आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।